हे व्हाट्सअप एवरीवन, तो यार आप सब लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। एंड यार आप सबको सबसे पहले थैंक यू यार दिल से 10K सब्सक्राइबर्स के लिए। यार लिटरली यार मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 9K पे अटक गया था यार, बिल्कुल चैनल व्यूज आ नहीं रहे थे। फिर पता नहीं कहाँ से एक वीडियो गई, अभी 8K पे गई है यार, तो हो गए 10K। बाकी यार आप सबको दिल से थैंक यू यार कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना यार। अभी सबसे अच्छा लग रहा है कि लॉयल 500 ऑडियंस मिल गई है यार मुझे, जो कि मैं कुछ भी डालूंगा वो लोग देखेंगे यार, वो लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे, ऐसी ऑडियंस मिली है मुझे तो। थैंक यू सो मच यार। हाँ तो यार पहले नंबर के क्वेश्चन से बात करते हैं यार। तो मैं बता दूँ, मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। और यार पेरेंट्स के सपोर्ट की बात करें तो देखो, उन्हें मम्मी को बताया सिर्फ कि यूट्यूब करता हूँ मैं, बाकी यार उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पढ़ाई और दोनों को बैलेंस करके चल रहा हूँ यार, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं उससे। बस हाँ पबजी ज़्यादा खेलता ही है, उनकी शिकायत रहती है हमेशा, बट वो तो हर किसी के पेरेंट्स की होती है यार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार इस सवाल का जवाब सोचते सोचते मुझे आधा घंटा हो गया, पर यार आता कभी हिमाचल? सच बताओ तो यार इतना भी खास फील नहीं हो रहा, क्योंकि यार पहले जो चैनल की रीच थी 5K पे, वो आज 10K पे नहीं है यार। तो समझ सकते हो तुम लोग यार, अभी वो फील तो नहीं आ रही, बट हाँ बहुत जल्दी आ जाएगी यार। तो यार सच बताओ तो मुझे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार मुझे हमेशा से यूट्यूबर ही बनना था, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना था जिसमें मैं खुद को फोर्स करूँ यार, मैं बस अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता था। एंड यार यूट्यूब मेरे लिए हॉबी है, मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये काम करने में मज़ा आता है यार। सो यार इस क्वेश्चन के बिना तो यार क्यों ने पूरा हो कैसे सकता है, मैं भी सोच रहा था यार। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एंड यार नहीं है गर्लफ्रेंड भाई, किसकी किस यूट्यूबर की गर्लफ्रेंड तुम्हें दिखती यार, मोस्ट ऑफ यूट्यूबर की नहीं होती, तो बस समझ लो। एंड यार नंबर ऑफ मास्टरबेशन वो क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता, किस बात कर रहे हो तुम, किसकी बात कर रहे हो भाई। अच्छा तो यार जायरो और स्क्रीन शेक की बात करो, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लग गया था यार। तो हाँ वो तो हिलता ही रहता है, दिन भर गेम ही खेलता हूँ मैं, कुछ और नहीं करता, तो वो तो हिलता रहता है यार। नेटवर्क था -69 69 69 69 69 69। हाँ तो यार वैसे तो यूट्यूब से चमन ही तक अर्निंग नहीं होती, बट फिर भी यार मैं तुम्हें मेरे जो 9K पे अभी वीडियो गई थी रिसेंट में, उसका एनालिटिक्स दिखा देता हूँ, तुम लोग खुद देख सकते हो यार। तो यूट्यूब पे अगर तुम अर्निंग करने के लिए आ रहे हो तो मत आओ, क्योंकि यार यूट्यूब पूरा लक गेम होता है, आज तुम हो कल कोई और होगा। क्योंकि यार आप लोगों ने देखा होगा अभी बहुत सारे मोंटेज क्रिएटर्स टॉप पे आए थे, बट आज देखोगे यार तो उनके चैनल बिल्कुल डेड पड़े। तो यार तुम लोग समझ सकते हो यूट्यूब पे कभी भी पैसों के लिए बिल्कुल मत आना यार, भाई की झलक सबसे अलग। अब यार इतना भी खास तो नहीं हूँ मैं। कैसा रहा 3 से 4 तक की केड़ी का सफ़र? तो सच बताओ तो यार यूट्यूबर जितने भी तुम लोग मोंटेज क्रिएटर देखते होंगे ना, सबकी 2 की केड़ी होती है, क्योंकि यार हम सिर्फ क्लच से गेम रखते हैं, बिल्कुल हम दूसरा कुछ देखते ही नहीं यार। हम बहुत सी क्रॉसबो ट्राई करते हैं, M24 ट्राई करते हैं, तो यार हर यूट्यूबर की केड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यार क्लच के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि सिर्फ मोंटेज क्रिएटर ही समझ सकता है यार। हाँ तो यार कोबरा भाई का भी एक सवाल आया तो देख लेते हैं यार। कट कर दे मोहित, कट कर दे। हाँ तो यार सब क्वेश्चंस का जवाब मैं दे चुका हूँ। अगर यार तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि यार मुझे ये वीडियो कल पब्लिक भी करनी है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाता है तो सॉरी 100K पे दोबारा Q&A करेंगे यार, तब पूछ लेना यार, DM कर देना इंस्टा पे, वहाँ भी पूछ लो यार, तुम्हें पूछना ही है तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, वीडियो चल गई तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।